हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपके लेके आई हूँ क्लास 12th के सॉलिड स्टेट चैप्टर फर्स्ट से ही डेंसिटी टॉपिक का एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड न्यूमेरिकल है। आज काफ़ी इजीली मैं आपको इसको सॉल्व कराऊंगी और आपको इसको सॉल्व करने की मेथड भी बताऊंगी। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डेंसिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं उससे रिलेटेड वीडियो डाली थी, तो आज उसी सीक्वेंस में आपके लिए इसके न्यूमेरिकल लेके आई हूँ। सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल जो इससे पूछे जाते हैं वो सॉलिड की डेंसिटी और मॉलिकुलर मास को लेके पूछे जाते हैं, तो उनमें से इस वीडियो में मैं अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी जो डेंसिटी पे बेस्ड है। क्वेश्चन है, अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक एलिमेंट एटॉमिक मास 60 हैज सेल एज ऑफ 400 पिकोमीटर, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। एक फेस सेंटर्ड क्या है, क्यूबिक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास हमें गिवन है 60 है, हैज सेल एज ऑफ 400 पिकोमीटर, इसके एज लेंथ जो है वो 400 पिकोमीटर है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो हमें इस यूनिट सेल की डेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक यूनिट सेल को बना लेते हैं, तो इसकी एज लेंथ होगी ए। ये एक क्यूबिक यूनिट सेल है, क्यूबिक एलिमेंट है, तो इसकी हर एक साइड ए ही होगी, तो इसकी एज लेंथ हमें गिवन है वो है 400 पिकोमीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन दैट लिखेंगे। न्यूमेरिकल में कभी भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो उसका फर्स्ट स्टेप आप लिखेंगे गिवन दैट, कि आपको क्या गिवन है। उसी से आपको आइडिया आएगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है और कैसे से सॉल्व करना है। तो गिवन दैट हमें दिया है एज लेंथ, यानी कि क्यूब की एज लेंथ ए 400 पिकोमीटर। पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1 पिकोमीटर इक्वल टू होता है 10^-12 मीटर, 400 × 10^-12 मीटर हो जाएगा। देन हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 400 × 10^-10 मीटर। अब 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 100 को हम लिख सकते हैं 10^2, तो 10^2 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 और +2 में 2 माइनस हो जाएंगी, तो 400 × 10^-10 सेंटीमीटर हमारे पास यहाँ पे रिमेन रहेगा। तो अगर हमें ए पता है तो हम इस यूनिट सेल का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ए क्यूब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा 400 × 10^-10 का क्यूब। तो ए था 400 × 10^-10 सेंटीमीटर, तो इसका क्यूब कर देंगे, तो 400 × 10^-10 का क्यूब हो जाएगा। तो 400 का क्यूब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको सिंपली लिखने के लिए इंटू 10^3 = 30 हो जाएगा, तो 10^-30 सेंटीमीटर हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास हमें एटॉमिक मास दे रखा है कितना, 60, तो एम इक्वल टू हम रखेंगे 60। अब बिकॉज यहाँ पे हिंट में दिया है कि कैसा क्यूब है, फेस सेंटर्ड क्यूब है, तो फेस सेंटर्ड क्यूब के लिए जो जेड होता है वो 4 होता है, तो एन ए जो है वो अवोगैड्रो नंबर होता है जो फिक्स होता है 6.022 × 10^23 मोल इनवर्स हम यहाँ पे ले लेंगे एन ए को। अब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। हमें यहाँ पे डेंसिटी को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो डेंसिटी का मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है, डी इक्वल टू होगा जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। तो हम इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व में यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको इजी वे में बता रही हूँ, ताकि आपको अगर एक क्वेश्चन समझ में आ जाए तो आप सभी क्वेश्चंस को ऐसे ही ट्राई कीजिए। तो ये हो जाएगा डेंसिटी डी इक्वल टू जेड, हमारे पास है एफसीसी के लिए जेड होता है 4, क्योंकि ये फेस सेंटर्ड क्यूब है, तो हम जेड की वैल्यू रखेंगे 4 इंटू मास रखेंगे मॉलिक्यूलर 60 अपॉन ए क्यूब। तो ए क्यूब है 400 का क्यूब इंटू 10^-30 इंटू एन ए अवोगैड्रो नंबर है जिसकी वैल्यू है 6.022 × 10^23। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम सिंपल वे में लिख लेते हैं 4 × 60 अपॉन 400 का क्यूब। 400 के क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे 400 × 400 × 400, तो बात एक ही है, इंटू 10^-30 इंटू 6.022 × 10^23। तो इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे।
तो हम इसको और सिंपल वे में कैसे लिख सकते हैं, 4 into 60, अब सॉल्व करने की इसको जरूरत नहीं है, 4 into 4 into 4 लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 जीरो हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 to the power 6 इंटू इस 10 to the power 23 प्लस का आगे ले लेते हैं 23 अवोगैड्रो नंबर का इंटू 10 to the power -30 भी हमारे पास है, इसको भी ऐसे लिख लेंगे इंटू 6.022। इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू को लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इस 4 से एक 4 को कैंसिल आउट कर लेंगे और 23 में प्लस 6 को ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 60 upon 4 into 4 into 23 और 6 हो जाएगा 10 to the power 29 इंटू 10 to the power -30 इंटू 6.022। तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 4 से हम 60 को कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4 4 5 जा 20, तो 15 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 10 to the power -30 में से 10 to the power 29 को प्लस माइनस माइनस कर लेंगे, क्योंकि इनके बेस सेम है, तो ये प्लस की पावर है, माइनस की पावर है, तो ये माइनस हो जाएगी, 30 में से 29 कैंसिल आउट होगा, तो ये बचेगा 15 upon 4 into 10 to the power -1, क्योंकि 30 माइनस में है, इंटू 6.022। अब यहाँ पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट है, तो हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर जीरो बढ़ा लेंगे, तो 15 000 upon 4 into 6022 into 10 to the power -1, ये हमारे पास नीचे रिमेनिंग होगा। अब हम इस माइनस वन को ऊपर ले जाएंगे, तो ये प्लस वन में कन्वर्ट हो जाएगा, 15 000 पहले से था, 10 to the power -1 को ऊपर ले जाएंगे तो इंटू 10 हो जाएगा, तो एक जीरो और इंक्रीज हो जाएगा, अपॉन 4 into 6022 से हम सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा, 4 से हम 15,000 को कट करेंगे, तो ये होगा 37,500, आप कर लीजिएगा, तो ये इस तरीके से इतना बचेगा, तो ये हो जाएगा 37,500 upon 6022। इसको अगर हम बोथ साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से कैंसिल आउट करेंगे, तो 2 से कैंसिल आउट करने पे ये आएगा 18,750 upon 3011। तो इसको हम फाइनली सॉल्व कर लेंगे, हम इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा, और फाइनली 18,750 को अगर हम 3011 से डिवाइड करते हैं, तो ये आता है 6.227, जिसको हम अप्रॉक्स ले सकते हैं 6.23। तो हम क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, तो हम लोग डेंसिटी को डिटरमाइन कर रहे हैं, डी इक्वल टू आ गया 6.23, तो ये हमारा आंसर होगा फाइनल, जिसमें हमने डेंसिटी को कैलकुलेट किया है स्टेप बाय स्टेप, जिससे आपको सॉल्व करने में थोड़ी आसानी होगी। मैंने कोशिश की है इसको सिंप्लीफाई करने की, तो काफी सिंपल वे में, तो इसलिए डेंसिटी जो आई वो आई 6.23 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से, क्योंकि हमारी यूनिट सेल सेंटीमीटर में थी, तो डेंसिटी भी CGS यूनिट में ही हम लेंगे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइएगा।